सो गाइस, कोई भी डॉग ब्रीड अच्छी या बुरी नहीं होती भाई, उन्हें अच्छा बुरा बनाते हैं उनके ओनर्स। वही डॉग ब्रीड काफी अग्रेसिव भी हो जाती है और वही डॉग ब्रीड काफी फ्रेंडली भी। तो अब ये सब कुछ डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग अपने डॉग्स को कितना टाइम देते हैं, कितना सोशलाइज करते हैं, किस तरह से ट्रेन करते हैं। अगर आप लोग डॉग्स को टाइम दोगे तो ऑब्वियसली वो काफी अच्छे कंपेनियन डॉग बन जाएंगे। और ये जो डॉग ब्रीड आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये तो फैमिलीज के लिए बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं, काफी वफादार होते हैं, जिसका नाम है जर्मन शेफर्ड। गाइस, इस ब्रीड का नाम आते ही शायद आप लोगों को पता लग गया होगा कि जर्मन शेफर्ड वर्ल्ड की सबसे स्मार्टेस्ट डॉग ब्रीड में से एक है। तो अगर आप लोग जर्मन शेफर्ड में ब्लैक कलर लेना चाहते हैं तो आज के पपीज आप लोगों को ब्लैक कलर में मिलेंगे। वैसे इनमें जो फीमेल है ना, वो ब्लैक एंड टैन कलर में है, जिसका प्राइस आप लोगों को काफी कम देखने को मिलेगा। एंड ये जो ब्लैक जीएसटी पपीज हैं, ये होम ब्रीडिंग के हैं। तो अगर आप लोग इन्हें लाइव वीडियो कॉल पर देखना चाहते हो तो ओनर को कभी भी व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर सकते हो। बाकी हाँ गाइस, ओनर ने ये चीज मेंशन नहीं कर रखी कि पपीज कौन से कोट में, मीडियम कोट में, डबल कोट में या फिर लॉन्ग कोट में, तो इस बारे में आप लोग डिस्कस जरूर कर ले। वैसे अभी पपीज थोड़े से छोटे हैं तो इस एज में कोट के बारे में अच्छे से पता भी नहीं लगता। तो जीएसटी एक हाईली इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है एंड काफी एनर्जेटिक भी। तो जब भी आप लोग कभी घर से बाहर जाते हो और वापिस आओगे ना, तो ये हमेशा आप लोग को आपके गेट पर मिलेंगे आप लोगों का वेलकम करने के लिए। तो ब्लैक जर्मन शेफर्ड थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं अगर ब्लैक एंड टैन से कंपेयर किया जाए तो, क्योंकि थोड़ा सा रेयर कलर होता है और भाई इसी वजह से लोग इन्हें थोड़े से ज्यादा पैसों में सेल करते हैं। वैसे इसमें एक और ब्यूटीफुल कलर आता है जो है प्योर व्हाइट, जिसका पपी आप लोगों को हमारे पास से मिल जाएगा। अभी सिंगल पपी बचा हुआ है, तो अगर कोई लेना चाहे तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी गाइस, इस ब्रीड को रखने का थोड़ा सा तरीका होता है। एक तो आप लोग ने स्लिपी फर्श पे ना रखे, दूसरा भाई जो स्टेयर्स होते हैं हमारी पैड़ियां होती हैं उस पर खुद से ना चढ़ने दे कम से कम 3 मंथ्स तक। एंड भाई बच्चों की आदत होती है पपीज को हमेशा गोद में रखना, तो भाई इस चीज को भी आप लोग अवॉइड करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोग के पपीज के लिए। और गाइस, आप लोग चाहे कितनी बेस्ट क्वालिटी ले लो, अगर आप लोगों ने अच्छी डाइट पर नहीं रखोगे ना, तो उनकी क्वालिटी उस लेवल की नहीं हो पाएगी भाई जो आप लोगों ने बचपन में परचेज किया था। तो हमेशा अपने डॉग्स के लिए एक बैलेंस्ड डाइट रखें। सो एक बार मैं आप लोगों को इन पपीज के पेरेंट्स से भी इंट्रोड्यूस करा देता हूं। तो गाइस, फिलहाल जो आप लोग देख रहे हैं ये इन पपीज की मदर है, एंड साथ में आप लोग पपीज को भी देख रहे हैं, मदर की क्वालिटी भाई सही है। एंड गाइस, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये इन पपीज का फादर है, भाई फादर की क्वालिटी में भी आप लोगों को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। बाकी आप लोगों को कुछ भी क्लियर करना है तो डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट करके हर एक चीज डिस्कस जरूर कर ले। वैसे अगर इन पपीज की एज के बारे में बात करें तो पपीज 34 डेज के हो चुके हैं, एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है पानीपत हरियाणा से। एंड जो डिलीवरी है ना भाई, उसके लिए जितना पॉसिबल हो सके ना आप लोग ओनर को विजिट करो, पेरेंट्स को देखो, पपीज को देखो और बाद में परचेज करो। लेकिन जब ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती ना, तो लास्ट में आप लोगों को डिलीवरी का ऑप्शन चूज करना चाहिए। बाकी ओनर आप लोगों को ऑल ओवर इंडिया में प्रोवाइड भी करा देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज पर। एंड फाइनली अगर प्राइसिंग की बात करें तो ओनर जो ब्लैक कलर के जर्मन शेफर्ड पपीज के प्राइस की डिमांड की है, वो मेल की है 16,000 रुपीज, 16,000 रुपए, एंड फीमेल की है जस्ट 8,000 रुपीज, यानी सिर्फ 8,000 रुपए। और अगर आप लोग पेयर परचेज करते हो तो पेयर आप लोगों को 22,000 रुपीज, यानी 22,000 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन प्राइस नेगोशिएबल है, बार्गेनिंग कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।